नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रोल टाइम्स न्यूज। मैं हूँ रामनाथ विदुही। दोस्तों, जयनगर से लोकमान्य तिलक कुर्ला जा रही पवन एक्सप्रेस के रेल पहिए का हैंकर टूटने से गाड़ी लगभग 5 घंटे तक भगवानपुर स्टेशन पर रुकी रही। रेल अधिकारियों ने मुजफ्फरपुर से स्लीपर कोच मंगाकर उसको बदलकर रात्रि के लगभग 11:30 बजे ट्रेन को विदा किया। बताया जाता है कि ट्रेन के S11 के रेल पहिया का हैंकर टूट गया था, जिसकी नज़र किसी यात्री पर पड़ी तो वह ट्रेन चैन पुलिंग कर भगवानपुर में गाड़ी रोका। उसके बाद अपराध तफरी मची। लोगों काफ़ी देर तक ट्रेन खुलने का इंतजार करते रहे, लेकिन अधिकारियों ने त्वरित गति से कार्रवाई कर ट्रेन को 11:30 बजे रात में कुर्ला के लिए विदा किया।